यू नो व्हाट, कितने राइडर्स हैं मुंबई और पुणे के जो ब्रेकफास्ट राइड करने के लिए कर्जत आते हैं, और हम हैं जो कर्जत में रह के आपको कर्जत एरिया के डेस्टिनेशंस राइडिंग के लिए जो है वो कभी दिखाते ही नहीं है। तो आज हम ब्रेकफास्ट राइड पे निकले हैं, और इस राइड का ब्रेकफास्ट भी कर्जत में होगा, डेस्टिनेशन भी कर्जत में ही है। लेकिन फिर भी ऐसा मत समझिए कि ये राइड बोरिंग होने वाला है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो अपना रेडबुल का पहला ऑफ रोडिंग होने वाला है, एंड व्हेन आई से ऑफ रोडिंग आई मीन सम सीरियस ऑफ रोडिंग, कच्चा रास्ता और उसमें एक घाट चढ़ना है अपने को, और उतरना भी है ऑफकोर्स। तो जितने भी क्लेम्स है ना, हैवी है, ऑफ रोड में कंट्रोल नहीं होगी वगैरह, वो सब आज टेस्ट होंगे, सही तरीके से टेस्ट होंगे। एंड आई प्रोमिस आई गिव यू द ऑनेस्ट व्यूज। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट आज अपने साथ राइड करने वाले हितेश फ्रॉम द हिट सो फार, दैट्स हिज यूट्यूब चैनल। हितेश ने अभी लास्ट वीक ही BMW 310 BS6 मॉडल खरीदा है, तो उसका भी आज पहला ऑफ रोडिंग है। तो आज आपको एक ही व्लॉग में, एक ही वीडियो में अपना रेडबुल और उसका BMW 310 जिसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, दोनों बाइक्स के ऑफ रोडिंग रिव्यूज मिलने वाले हैं। तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू स्टिक टिल द एंड। अभी और वेट नहीं करते, let's roll the intro for you. This is Kundan from countingkilometers.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. And here we are. Hitesh is here. Hi. काय करतोस नक्की? हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक अँड थँक यू फॉर ट्युनिंग इन वन्स अगेन टू आर चॅनल, यू वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। वेल, अगर आप मिसल लवर हो ना, वैसे मिसल किसी को पसंद नहीं है ऐसा मुझे रेयरली कोई मिला है क्या कोई? अगर है तो पहले कमेंट करो कि आपको मिसल पसंद नहीं है। नहीं है तो मैं आपको ऐसे ऐसे प्लेसेस बताऊंगा ना कि जहाँ जाके मिसल ट्राई करो, अगर पसंद नहीं है फिर भी ट्राई करो, आप पसंद करने लगोगे। और उसमें से एक ये प्लेस है कर्जत में शिंदेस कॉर्नर, वैसे आप मिस नहीं कर सकते। कर्जत सिटी में आओगे ना, ऐसे सामने दिख जाता है एकदम, लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाना है, आपका ब्रेक फेल हो गया तो इनके होटल में ही आओगे, ऐसी जगह पे लोकेटेड है। और दिस इज, आई डोंट नो इफ आई शूड से वन ऑफ द बेस्ट और आई शूड से द बेस्ट, फॉर मी कर्जत का तो बेस्ट मिसल है ये। इससे कंपैरिजन मतलब लोनावला वगैरह का हो सकता है, लेकिन कर्जत में तो इसका कंपैरिजन नहीं है। बाय द वे, वी हैव हितेश हियर। हेलो। सो एज आई सेड, हितेश इज फ्रॉम कर्जत, ही हैज़ अ चैनल कॉल्ड हिट सो फार, राइट? द हिट सो फार। अभी स्पेल नहीं करूंगा, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक डाल दूंगा। बट ही इज वन गाय, अगर आपको सिनेमैटिक वीडियोस पसंद है, सिनेमैटिक फील पसंद है ना, अगर आपको मेरा एडिटिंग पसंद है ना, तो गो एंड चेक आउट हिज वीडियोस, आई मीन सम एपिक वीडियोस फॉर यू। तो ट्रैवल कंटेंट के लिए और एक आपको डेस्टिनेशन दे दिया है मैंने। एंड बाय द वे, अच्छा, कांग्रेस फॉर द बाइक। थैंक यू। हाउ इज इट फीलिंग? ऑसम। अभी तो लेके एक वीक हो गया मुझे। आज ऑफ रोड रिव्यू करना है, प्रैक्टिकली, और कंपैरिजन भी करना है, पहले वर्सेस BMW। सो या, सी यू सून। लेकिन नहीं, पहले मिसल खाते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि पेट पूजा, पहले सबसे पहले पेट पूजा अपने लिए। मुझे देख के वैसे भी आपको पता चल गया होगा यार, पेट पूजा से आगे कुछ नहीं होता। जिस जिसको लगता है ना कि कर्जत में राइडिंग कम्युनिटी नहीं है, ये देखो, ये तीनों कर्जत की बाइक्स है, जान लो कर्जत में भी राइडर्स है। By the way, this is the third person, Swapnil, welcome to Counting Kilometers. tell us about your experience, man. Actually, मैंने बहुत बाइक चलाई है, स्पोर्ट्स बाइक चलाई है। You had a 600i, right? Yeah, Benelli 600i. And he was telling me, Benelli क्यों लिया? Because of service and everything. Because क्या, पहले DSK में था तभी कोई इशू नहीं था इतना, जब से AB में आया है तो थोड़ा सा सर्विस में वो लोग इशू कर रहे हैं। Let's hope कि अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। एनीवेज, अभी मैं और हितेश हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से। एज आई सेड, दोनों बाइक्स का BMW 310 BS6 और अपना रेड बुल, दोनों का फर्स्ट ऑफ रोड राइड, दोनों का ऑफ रोडिंग रिव्यू, कंपैरिजन, बहुत कुछ आने वाला है, देखते रहिए। ऑलराइट, द प्लेस दैट वी आर गोइंग इज अराउंड 25 किलोमीटर्स फ्रॉम कर्जत। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको, हम लोग अभी जा रहे हैं पेठवाड़ी पे, मतलब पेट कोथड़ीगढ़ जो ट्रैक है, कोथड़ीगढ़ फोर्ट, उसके बेस में जो विलेज है। अगर आपको पेट कोथड़ीगढ़ के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आपको
हमारा पुराना वाला व्लॉग देखना पड़ेगा, द लिंक इज हियर। यार कभी नहीं पता चलता किधर आता है, किधर तो आएगा। तो ये लिंक में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी हम ट्रैक तो नहीं करने वाले, लेकिन जो ट्रैक का बेस विलेज है पेटवाड़ी, वहाँ पहुँचने के लिए 4-5 किलोमीटर का एकदम ख़तरनाक वाला ऑफ रोड का घाट चढ़ के जाना पड़ता है। तो बस आज हम वहीं पे जाने वाले हैं, पेटवाड़ी पे जाएंगे और रिटर्न आ जाएंगे। सो टुडे इज़ गोइंग टू बी लाइक 20 odd kilometers का फास्ट रन और उसके बाद 4-5 किलोमीटर का कंप्लीट ऑफ रोड। यार ये करजत मुरबाड़ रोड इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है ना, बीच बीच में पैचेस बना के हो गए और जिनका काम चल रहा है वो एकदम ख़राब हालत में है। अभी अपने को लेना है ये वाला राइट टूवर्ड्स कोठिम्बे। अरे ये वाला रोड बन गया यार, अच्छा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यहीं से ऑफ रोड चालू होगा। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल रूट, इतना मज़ा आता है ना यहाँ पर गाड़ी चलाने में। एनीवेज दिस इज़ द अम्बुली विलेज। अभी यहाँ से आगे जहाँ से वो बस आ रहा है ना, वहाँ पे जाके एक केव्स है आगे। वो केव्स देखने के लिए भी आपको दूसरा व्लॉग देखना पड़ेगा। अगेन द लिंक इज अप हियर, लिंक देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक केव्स है जो बहुत कम लोगों को पता है, उसके बारे में पता चल जाएगा। एंड नाउ वी हैव टेकन दिस टर्न टूवर्ड्स पेट फोर्ट, पेटवाड़ी की तरफ जाने वाला रास्ता। एक्चुअली नॉट दिस, ये सीधा अलग जगह पे जाता है। अभी अपने को वापस लेफ्ट लेना है। नाउ दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ टुडेज ऑफ रोड सेशन। थोड़े से डिस्टेंस तक ये ऐसा कच्चा रास्ता बना हुआ है और फिर वहाँ से आगे शुरू होता है ट्रेल राइड। जो भी कच्चा रास्ता बना हुआ था वो यही तक था, अभी यहाँ से पूरा ट्रेल राइड है, मट्टी का बना हुआ रास्ता, और ये पूरी पहाड़ी चढ़ के जाना है अपने को। सो रेडी, तो मिलते हैं आगे। अभी तो पूरा चलो है। नहीं, असली मजा तो अब शुरू होगा। चलो गणपति बप्पा मोरिया। होपफुली दिस शुड बी अ स्मूथ वॉक फॉर रेड बुल। ये रूट एक्चुअली जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्ट होता जाता है। अभी ये सबसे बड़ा टास्क है इस एरिया में, बट सो फार सो गुड, द बाइक इज डूइंग प्रिटी वेल, बिल्कुल भी टेंशन नहीं आ रहा है। एंड यस, अभी तक मुझे कहीं पर भी पैर नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो द बाइक इज हैंडलिंग द वेट ऑल्सो प्रॉपरली। बिल्कुल भी कहीं फील नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट है, अनमैनेजेबल है। एंड वी हैव डन 3 शार्प यू कर्व्स ऑलरेडी, और अभी यहाँ पे लूज सॉइल है पूरा। माँ कसम, शी इज डूइंग इट विथ सच ईज, अमेजिंग अमेजिंग, वाओ। सही है भिड़ू, मज़ा आ गया। फील भी नहीं हो रहा है कि हम कच्चे रास्ते पे ट्रेल पे चल रहे हैं। जस्ट 10 मिनट्स और 10 मिनट के ऑफ रोड में कितना ऊपर आ गया देखो, उस लेवल पे थे हम। और वहाँ से चढ़ के
10 मिनट में यहाँ पहुँच गए। एंड आई मस्ट से बाइक तो ऐसे चढ़ी है ना जैसे हाईवे पे चल रही है। लुक एट द क्लिफ, बहुत सही प्लेस है। बाय द वे दैट्स द पेट फोर्ट ओवर देयर, कोथड़ीगढ़। इसके टॉप तक जा सकते हैं, ये जो टोपी दिख रही है ना, ये टोपी के अंदर से रास्ता है ऊपर जाने का। टोपी के अंदर से खोद के बनाया हुआ, इट्स लाइक अ केव, जो चढ़ के अंदर से आपको फोर्ट के ऊपर जाना होता है। अभी आज के व्लॉग में वो सब कवर नहीं होने वाला, एज आई सेड इन्फॉर्मेशन कार्ड्स में है, पहले ही मैंने टैग किया हुआ वीडियो, वो वीडियो देखोगे तो उसमें ये ट्रैक का पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बाय द वे उस टाइम पे अपना जीप लेके चढ़ाया था इधर, वो भी रात में, बहुत मज़ा आया था। वेल अभी एग्जैक्टली वहाँ पे फोर्ट के नीचे जो है ना वो गाँव है पेटवाड़ी, वहाँ तक जाएंगे अभी, और यहाँ से पूरा ऊपर से चल के जाना है अराउंड 2 किलोमीटर्स मोर, और ऐसा ही कच्चा रास्ता है पूरा। लेकिन ये जो स्पॉट है ना, ये स्पॉट देखने लायक है। टाइम राइट नाउ इज ओनली 10:30 एंड लुक एट द धूप, इतनी धूप में तो जादू भी मर जाता। चलो नेक्स्ट स्टॉप पेटवाड़ी। ये जो रूट है ना, ये बारिश के सीजन में बहुत खतरनाक होता है। अभी भी इट्स नॉट ईजी, आदत है और मैंने ऑलरेडी 3-4 बार कर चुका हूँ तो मुझे पता है ये रूट, इसलिए थोड़ा इजी लग रहा है। बट बारिश के सीजन में बाबा ये सब मट्टी बह जाती है और सिर्फ पत्थर बचते हैं, तब मज़ा आता है इसमें। ओ तेरी, गलत जगह पे जाके अटक गया हितेश। बहुत बड़ी चढ़ा नहीं है, बट नॉट टू बिग फॉर रेड बुल बिकॉज वी हैव विंग्स। क्या आराम से चढ़ जाती है यार, सीरियसली मैंने बोला ये सबसे डिफिकल्ट चढ़ाना है, लेकिन इसको तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगी, इट वॉज टू इजी फॉर हर। वी हैव रीच्ड टुडेज़ डेस्टिनेशन, ये है सामने पेट गांव, ये जो सामने घर दिख रहा है, एंड दिस इज द पेट फोर्ट, सो ब्यूटिफुल। यहाँ तक आने के बाद ना ऊपर जाने की इच्छा हो रही है, बिकॉज आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ तक आया हूँ और ट्रैक नहीं किया। इट टेक्स हार्डली 1 आवर टू रीच द टॉप फ्रॉम हियर, बट अभी नहीं, ब्रेकफास्ट राइड है ना, पूरे दिन का राइड हो जाएगा। सो कैसा रहा ऑफ रोडिंग? नहीं पहले तो ये बताओ, बीच में वो टेम्पो आ गया था उधर, कैसा लगा? वो तो बाइक फंस गया था, मैं बोला अब तो गया मैं, क्योंकि बाइक को गार्ड नहीं है कुछ नहीं है, तो एक थोड़ा सा वो डर था गिर ना जाए अब बाइक। वो अभी तक नंबर भी नहीं है बाइक पे, कुछ नहीं है गाड़ी को, कुछ नहीं, तो वो थोड़ा सा हुआ था। पर और पूरे ऑफ रोड के सबसे डिफिकल्ट जगह पे वो आ गया सामने, एक्चुअल में डिफिकल्ट पार्ट है वो वाला। हाउ इज द एक्सपीरियंस, मतलब आपको ऑफ रोड के हिसाब से कैसी लग रही है? ऑफ रोड के हिसाब से अभी तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि कुछ पावर कम है या कुछ कम है, हाँ बट
इसके सामने तो मैं बोल सकता हूँ कि पावर या एक्चुअली क्योंकि मैं आराम से सेकंड गियर पे आपको ओवरटेक करके निकल रहा था और मैं फर्स्ट गियर पे राइड कर रहा था. आई मीन टोटली डिफरेंट लीग. जैसा मैंने दो व्लॉग पहले बोला था, जो लोग बेनेली को इसको टीआरके 500 को वर्सेस 650 से कंपेयर करते, 150 सीसी का डिफरेंस है और आप लोग कंपेयर करते हो, तो जैसे मैंने उस टाइम पे गालियां दी थी ना, वैसे ही ये भी है. दैट इज 300 सीसी एंड दिस इज 500 सीसी. तो इसका कंपैरिजन एट सच इसके और उसके बीच में कंपैरिजन नहीं है. दोनों अपने अपने लेवल पे है, अपने लेवल पे अपना अपना सेगमेंट भी अलग है. एग्जैक्टली. एनीवेज अभी नीचे उतरते हैं वापस, क्योंकि नीचे उतरने में एक अलग थ्रिल रहेगा. अलग थ्रिल रहेगा अभी, कंट्रोल करना पड़ेगा कुछ. बीच में ना ऐसे लूज सॉइल है पूरा, तो अभी उस पर से नीचे उतरना इज अनदर डिफरेंट लेवल ऑफ टास्क. तो नीचे जाएंगे, वहाँ पे एक छोटा सा होटल है, वहाँ पे जाके कुछ चाय कॉफी वगैरह पीते हैं, वहाँ पे बैठते हैं. लेकिन पहले देखो, अभी हम नीचे चल के जा रहे हैं, गाड़ी चला के जा रहे हैं या स्केट करके जा रहे हैं. उठा के भाई 235 किलो कौन उठाएगा, तू उठाएगा? नहीं, 175 हल्की है मेरी वाली, थोड़ी हल्की है. 235 ड्राइव इट. नेमत से नहीं है, हमसे ना हो भाई. चलो उतरते हैं नीचे. अभी आधा ऑफ रोड हुआ है, आधा ऑफ रोड वापस जाने वाला पार्ट. लेट्स गो. चलो इट्स टाइम टू मूव. निकलते हैं वापसी पे. इट्स ऑलरेडी 11:30 इन द मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट राइड को लंच राइड नहीं करना है, लंच से पहले घर पहुंचना है. अभी वापस उतरने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं. आई एम होपिंग ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, बिकॉज डिस्टेंस वाइज तो कम है, लेकिन बीच में कहीं गिरपड़े नहीं हुए हमारे मिस्टर गिरपड़े, तो पहुंच जाएंगे. ए बाबा, टाटा बाय बाय कर दो पेट फोर्ट को जो पीछे दिख रहा है. अगर दिख रहा है तो दिख रहा है क्या? दिखा क्या? दिखा ना. पहली बार बिना फोर्ट पे गए वापस जा रहा हूँ यहाँ से. मज़ा आया, लेकिन करना था, एक तो ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस करना था. सब लोग इतना बोल रहे थे कि इसका वेट हैंडल नहीं होगा, ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा लगेगा वगैरह. आई डोंट नो, आई कांट स्पीक फॉर एवरीवन, बट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ. मुझे तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगा. पहले ऑफ रोडिंग में ही फिदा हो गया मैं इस पर. आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट नाउ, बिकॉज अभी अगर गिरता हूँ तो दैट विल डेफिनेटली बी माई राइडिंग एरर. बाइक तो परफेक्टली स्टेबल है, अगर वहाँ से जिस तरह से उतरी ना. सी, अभी ये भी मैं सेकेंड गियर पे चढ़ रहा हूँ आराम से. घसर गुंडी, ऐसा जब भी स्लोप आता है ना, ईवा बोलती है रस्ते की घसर गुंडी वाली. ये पूरा लूज सॉइल है, बस यही संभालना है. प्रिटी फाइन टिल नाउ, आई एम नॉट हैविंग एनी इश्यूज विद इट. नाइसली डन. वो है अम्बिवली गांव जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. सो दिस इज प्रिटी स्टीप, अच्छा खासा स्टीप घाट है. ऐसा नहीं है कि एकदम आसान वाले रोड पे हूँ मैं, बट द बाइक इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड हियर वी आर सक्सेसफुली डन द ऑफ रोड पैच. वापस कच्चे टारमैक पे. चढ़ने से ज़्यादा थोड़ा उतरने में डिफ़िकल्ट लगा. डिफ़िकल्ट मतलब बाइक हैंडलिंग में डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं लगी, बट द थिंग इज इतनी हाइट पे बैठा हूँ ना, इतने हाइट की आदत नहीं है. इससे पहले डोमिनार लेके चढ़ा हूँ, इससे पहले एवेंजर लेके चढ़ा हूँ, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट. और एक मन में डर भी होता है ना, इतने लोगों ने बोल रखा है हैवी है, कंट्रोल नहीं होगी, तो ऐसा लगता है यार गलती से गिर गई तो उठाएगा कौन. तो थोड़ा सा एक मेंटल प्रेशर रहता है. But the bike proved me wrong, and the bike proved every critic wrong. At least for me, this is perfect. एक पत्थर, एक कंकड़, एक भी जर्क नहीं बैठा मुझे पूरे ऑफ रोड में. All right, we have reached here at Ambuli village now. यहाँ का एकदम लैंडमार्क प्लेस है ये. सगळ्यात जुना तुमचाच हॉटेल है ना? यहाँ का सबसे पुराना होटल है. मतलब जब पेट फोर्ट ज़्यादा फेमस भी नहीं था, ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे ना, तब से ही है इनका. और तब से हम लोग आते हैं. आई मीन फर्स्ट टाइम आई केम टू पेट फोर्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल समवेयर इन 8th और 9th स्टैंडर्ड, तब भी इन्हीं के पास नाश्ता किया था.
एनीवेज इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग ओवर हियर. आई होप यू लाइक दिस ऑफ रोड. आपको एक नया डेस्टिनेशन मिला होगा. अगर आप इससे पहले आए हो तो बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और अगर नहीं आए हो तो जल्दी प्लान करो, और अगर कर्जत आते हो तो कमेंट करके बताओ कब आने वाले हो. मिलते हैं कहीं पे रास्ते में. एनीवेज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट हितेश's चैनल. बाय द वे इसके जस्ट मतलब हमने केदारनाथ किया ना, उसके 3 या 4 दिन बाद इसने भी केदारनाथ का ट्रैक किया. अपना केदारनाथ सीरीज अभी खत्म होने को है, इसका केदारनाथ सीरीज अभी चल रहा है. ही डिड इट बाय कार. बाय द वे केदारनाथ अगर देखा नहीं है आपने तो उसका भी लिंक यहाँ पे है, केदारनाथ ट्रैक का जरूर जाके देखो, बिकॉज केदारनाथ इज एज हितेश सेड इट्स वन टाइम, आई मीन इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. करना चाहिए यार, एक बार तो करना चाहिए, हेलीकॉप्टर से करो चाहिए तो. लेकिन केदारनाथ पहुँच के वहाँ का जो फील है ना, आप मंदिर में मानते हो, भगवान में मानते हो, नहीं मानते हो, उसके ऊपर जाके वो वहाँ का फील है. आई मीन छोड़ो मैं बता नहीं सकता, आप देखो व्लॉग देखो जाके. एनीवेज लेट्स एंड द व्लॉग ओवर हियर. हिट द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट. और अगर ये ऑफ रोड पसंद आया ना और हमारा राइडिंग पसंद आया ना तो शेयर करो, सबको बताओ कैसा लगा, हमें बताओ, कमेंट करो, जो भी करना है सब करो यार, अपना प्यार जताओ. फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में किसी नए एक्सपीरियंस के साथ, किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.